बड़ी खबर मुंबई से जहां पर शिंदे कैंप की शिवसेना की मुंबई बाईकाला विधानसभा से विधायक यामिनी जाधव ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटा तो इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं ने इस पर बीजेपी और शिंदे सरकार को घेरा। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पहले मोदी सरकार ने स्कूल कॉलेज में बुर्का बंद किया था, अब उनके नेता ही बुर्का बांट रहे हैं। दरअसल यामिनी जाधव ने मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटा और कहा कि महिलाएं इसमें अपने आप को सहज पाती हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें महिलाएं सहज हो रहे वो पहने, इसमें गलत क्या है। सहूलियत औरत को देनी चाहिए कि वो हिजाब पहनना चाहती है कि नहीं चाहती है। अगर वो पहनना चाहती है तो हम आप कौन होते हैं उनके ऊपर रोक लगाने वाले। वो सोचती है उसकी नज़ाकत अगर हिजाब में है तो उसकी नज़ाकत को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे एरिया में इतनी लोग हिजाब में मैं देखती हूँ तो ये मेरी एक पहल है उनकी तरफ, औरतों की तरफ, कि हाँ अगर आप हिजाब पहनना चाहती हो तो बेशक आप पहनिए। जो 40 विधायक है उनको भी बुरखा बांट रहे हैं। उनको आने वाला चुनाव बुरखा में लड़ना पड़ेगा क्योंकि लोग जूते मारने वाले हैं उनको। देखो ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ढोंगी लोग। आप उनकी विधायक बुरखा बांट रही है और वहाँ उनके जो नेता है नरेंद्र मोदी ने बुरखा के खिलाफ जंग छेड़ा था, मालूम है ना। उनके लोगों ने जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां बुरखा पहनकर जाती थी उन पर हमले किए। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।